दोस्तों नमस्ते। आज हम देखिए बनाएंगे रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हम बनाएंगे खाजा मिठाई। लो हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप भी चाहें तो अपना घर में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बना सकते हैं। ये हम बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को हमारा पूरा देखिएगा। दोस्तों देखिए हम इतना मैदा ले लिए हैं। हम चाल लेते हैं मैदा को। मैदा चाल लेते हैं। मैदा अभी चाल कर बनाना चाहिए, बरसात का समय है। मैदा में हम मैन डाल देते हैं। मैन डाल देने से मैन को हम बढ़िया से मिला लेते हैं। मैन में हम रिफाइंड तेल डालें, आप चाहे तो घी वो डाल सकते हैं। मैन डाल देने से खाजा कुरकुरा होता है, खस्ता होता है, टाइट नहीं होता है, एकदम फुल्की होता है। मैन मिला लिया रिफाइन, अब कितना बढ़िया हो गया, ढेला हो गया। देखिए अब इसमें मैन डाल के नहीं आवश्यकता कोई नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा पानी से हम इसको सान लेते हैं। मैदा को हम सान लेते हैं ठंडे पानी से, आप चाहे तो गर्म पानी को सान सकते हैं। इसको बढ़िया से हम मिला लेंगे। देखिए मैदा हम सान लिए, अब मैदा सान लिए हैं, एकदम ना ढीला है ना टाइट है, खूब मुलायम हो गया है। अब इसको हम आधा घंटा के लिए ढक देते हैं। इसको लोइया काट लेते हैं। लोई 5-6 लोई काट लिए हैं। अब लोई बराबर कर लेते हैं, सब गुलिया देते हैं। अब हम बेल लेते हैं। अब आप चाहे तो चौके बेल सकते हैं। इसको खूब पतला बेलना पड़ता है। इतना पतला पतला बेल लेना चाहिए। बेल नहीं इतना पतला, देखिए बाकी लोई है सब हम एक ही साइज के बेल लेंगे। रिफाइन लगा देते हैं। रिफाइन लगाइए कभी तो बराबर लगाइएगा, सब तरह बराबर लगा लिए हैं। इसमें मैदा थोड़ा छीट देना चाहिए, मैदा छीट देते हैं। अब मैदा को मिला लेते हैं। मैदा लगा देने से ऊपर से एक महीने ही सड़ता है, फाँका हो जाता है। एक ठो हो गया, अब दूसरा हो गया। अब इसमें फिर लगा देते हैं। 6 लोई में तेल लगाकर मैदा छीटने से 6 लोई साट लिए हैं। अब इसमें मैदा लगा दिए हैं बढ़िया से, रिफाइन लगा दिए। देखिए इसको हम लपेट लेते हैं। इस लपेटने में बीच में छूटे ना, टक लग बीच में भाज ना हो जाए। देखिए इसको दाब देते हैं थोड़ी से, हम पतला पतला काट लेते हैं। बढ़िया से ये अलार्म सामने हटा देते हैं, वो बढ़िया कटने से। अब काट लिए, अब चूल्हा धरा लेते हैं। अब तेल डाल देते हैं। अब रिफाइन के तेल है, तेल गर्म हो रहा है। दब दब का हम इसको खाजा का दब दब का स्तर दब दब का अंगूठी से इसको हम चौके पर रख देते हैं।
रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप भी घर में मना सकते हैं, बोला चाहे होली के अवसर पर, बोला अच्छे बने पार्सल, बोला सकते हैं, बोला अच्छा बंधन के त्यौहार पर आप घर में आसानी से बना सकते हैं, इसको बनाने में कोनो लिथी नहीं है, झंझट नहीं है, आसान तरीका है। तेल गर्म हो गया, खाजा के तेल में तल लेते हैं। अब ये दिन आज को तलेंगे, खाजा को लट पलट के पका लेंगे, लट पलट के देखिए कितने में फूल गया, लाल हो गया है, अभी निकाल लेते हैं। खाजा कितने में फूल गया है, कितना लाल हुआ है, बाकी खाजा भी डाल के हम छान लेते हैं। खुजली सब बन गया, अब खुजली हम निकाल लेते हैं सब। पानी थोड़ा डाल देते हैं हम, ये खजवा के लिए चश्मी बना लेते हैं। एक कप पानी डाले है, एक कप चीनी, धीरे धीरे चला के हम पाक को चश्मी को बना लेते हैं। तोड़ लिए इलायची के, इलायची डाल देने से स्वाद अच्छा आता है। चश्मी में थोड़ा फूड कलर डाल देते हैं थोड़ा सा। दोस्तों देखिए दूर से बच्चा चला आया है खजवा खाने के लिए, खजवा खाइब है, बोल रहा खाने के लिए खाइब। हाँ अच्छा रुक जा बन जाए, था पाक बन के तैयार हो गया, अब उतार लेते हैं। अब इसी में खजवा मिठाई सब डाल दिए, बढ़िया से चला लेंगे सब। ये सब पाक तान लिया, जितना ठंडा उतना पाक तानेगा। देखिए कितना बढ़िया खजवा मिठाई बन के तैयार हो गया। देखिए बाहर से बच्चा सुना तो बाहर से बच्चा खड़ा है खाने के लिए, अब बन जाएगा देश को तैयार होंगे तो बच्चा खिलाएंगे हम। प्लेट में निकाल लेते हैं, देखिए कितना बढ़िया हो गया। खजवा मीठा कितना बढ़िया हो गया है, और रस इसको सब अंदर टान लिया, और रस अभी सूख गया अभी। दोस्तों खजवा मिठाई बड़ी कुरकुरा हुआ है, खूब बढ़िया हुआ है। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को हमारा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। रक्षाबंधन आ रहा है, आप ही बनाइए अपने घर में आसानी से, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर हम आप लोग से अगले इसमें मिलेंगे। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।